ईस्ट और वेस्ट यानी जापान और अमेरिका के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। सिडनी में मोदी के स्वागत में कोई कमी ना हो इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दूसरी तरफ सिडनी ओलंपिक पार्क को भी सजाया संवारा जा रहा है। यहीं अल्फोंसे अरेना में 17 नवंबर को मोदी का भाषण होगा। तो पहले अमेरिका में जादू चला चुके हैं नरेंद्र मोदी और वहां पर आपने देखा था कि किस तरह से रॉक स्टार की तरह साबित हुए थे, एक रॉक स्टार पॉलिटिशियन की तरह साबित हुए थे नरेंद्र मोदी। और जो जोश जो जुनून वहाँ के लोगों में था, जो भारतवंशी हैं वहाँ पर, उन्होंने जो जज्बा दिखाया था, जिस तरह से स्वागत किया था भव्य तरीके से, कुछ उसी अंदाज में आप देख सकते हैं यहाँ भी तैयारियाँ चल रही हैं। और सिडनी में हमारी संवाददाता श्वेता सिंह ने अल्फोंसे अरेना का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं G20 में हिस्सा लेने के लिए, जिसके लिए वो सीधे ब्रिस्बेन पहुंचेंगे, लेकिन हम इस वक्त सिडनी शहर में हैं क्योंकि सिडनी वो जगह है जहां पर हजारों भारतीय आकर उनकी बातों को सुन सकते हैं। हालांकि आयोजकों की माने तो हिंदुस्तानियों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टिकट खरीद कर यहां पर आ रहे हैं उन्हें सुनने के लिए। ये सिडनी सुपर डोम है, दरअसल इसे कहा ऑलफोंस अरेना जाता है लेकिन वो स्पॉन्सर का नाम है इस वजह से उसे कहा जाता है। जब सिडनी ओलंपिक्स के लिए इसका निर्माण हुआ था तो ये सुपर डोम था। इंडोर स्टेडियम अगर हम देखें, एक स्थायी इंडोर स्टेडियम, तो ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा स्टेडियम कोई दूसरा नहीं है। एक बार में 21,000 लोग यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अगर वो खड़े होकर रहे, अगर बैठे हुए हैं तो इस स्टेडियम की क्षमता 17,000 से थोड़ा सा ऊपर है। रिकॉर्ड क्षमता बताया जाता है 17,103 लोग एक दफा आए थे एक आयोजन के लिए। इस दफा आयोजक चाहते थे कि वो रिकॉर्ड टूटे और टिकटों के हिसाब से वो रिकॉर्ड टूट भी गया, लेकिन सुरक्षा और उसके अलावा नरेंद्र मोदी के स्टेज का निर्माण जिस तरीके से एक गोलाकार में किया गया है, उस वजह से 16,000 कुछ लोग ही यहां पर एक बार में बैठ सकते हैं। सारे टिकट्स यहां से जा चुके हैं, अब बस रिहर्सल्स चलते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े रॉकस्टार्स आते हैं आयोजन करने के लिए। अगर आप सामने देखें तो केटी पेरी का अगला यहाँ पर आयोजन होने वाला है, नवंबर दिसंबर में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर उनका एक आयोजन होगा। इससे पहले कौन ऐसा रॉकस्टार है जो यहाँ पर आया ना हो, लेकिन कहते हैं कि कभी भी इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर नहीं पहुंचे टिकट खरीद कर या फिर पास लेकर। किसी भी तरीके से उतनी भीड़ किसी भी रॉकस्टार के लिए नहीं आई जितनी नरेंद्र मोदी के लिए आने वाली है। अब ये ताकत मोदी की है या फिर मोदी की उस छवि की, जो विदेश में रहने वाले हिंदुस्तानी सोचते हैं कि अब उनके लिए कुछ करने वाला, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उन्हें एक नया चेहरा देने वाला प्रधानमंत्री है, ये लोगों की सोच है, उनकी छवि है या फिर नरेंद्र मोदी का काम, ये फैसला दरअसल हिंदुस्तान में बैठे लोग बेहतर ले सकते हैं, वो वोटर बेहतर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उत्सुकता है, यहाँ पर जो पागलपन है, दीवानगी है उनके लिए, वो वाकई देखते बनती है। कैमरा पर्सन अशोक भनोट के साथ श्वेता सिंह, सिडनी आज तक।